नमस्कार दोस्तों। और आज 2 फरवरी है, बहुत खास दिन है। सोचिए इस देश में जातिवादी मनुवादियों लोगों ने कितना षड्यंत्र किया और हमारे तमाम बहुजन आइकॉन को कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश की, चाहे वो फूले हो, अम्बेडकर हो, पेरियार हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव प्रसाद हो, सबको मिटाने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया कैसे जिंदा कर रहा है इन तमाम बहुजनों को। आज JNU में बड़ा लेक्चर हुआ है। आज जगदेव बाबू का आज जन्मदिन है, आज जयंती है उनकी। ये उनको लेनिन कहना भी एक तरह का साजिश थी सवर्णों की। लेकिन पूरी जगदेव बाबू की कहानी बताता हूँ। वो जगदेव बाबू जो पेशे से पत्रकार हुए, पढ़े लिखे भी, विधायक भी बने, पार्टी भी बनाई, उनकी पूरी कहानी बताऊँगा। और अगर जगदेव बाबू बिहार के में जो थे, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे इन जातिवादी मनुवादियों लोगों ने उनको मार दिया और वो आज मंत्री तक बने हुए हैं। तो वो बिहार के जो जगदेव प्रसाद थे, OBC समाज से आते थे, और किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनको किस तरह से बहुजन समाज याद कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। 2 फरवरी 1922 जयंती, अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कादों में। ये जगदेव बाबू कहते थे कि जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, उनको भी खेतों में उतरना पड़ेगा, कादों में उतरना पड़ेगा, धान की फसल लगानी पड़ेगी। बिहार लेनिंग जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, बिहार की धरती पर क्रांति सूर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्म 2 फरवरी 1922 को अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में हुआ था। जगदेव बाबू ने सामाजिक असमानता के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया और आंदोलन के दौरान ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वे सीधे साधे समानतावाद को चुनौती देते हुए नारा लगाया करते थे कि अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कादों में। दरअसल ये मारने की साजिश इसलिए होती है कि आपकी आने वाली कौम जो है वो चुप बैठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप लड़के मरेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें उसका बदला लेगी, और आप डरकर मरेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी डरपोक पैदा होगी। ये बाबा साहब कहते थे। जगदेव बाबू ने जो कुर्बानी दी, जो शहीदी दी, आज हम सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात इस साल बरसात में केवल बहुजनों की औरतें ही नहीं, बल्कि सामंतों की औरतें भी धान की रोपाई एवं निराई करने खेतों में जाएंगी। अब उनकी गोरी गोरी कलाइयाँ भी कीचड़ में सनेंगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पहले डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया, बाद में रामस्वरूप वर्मा जी के साथ आकर विशुद्ध रूप में सामाजिक न्याय के समर्थन एवं पाखंडवाद के विरुद्ध डायरेक्ट हमला बोल दिया और अपना अंजाम समझते हुए पूर्वानुमान भी लगा लिए कि उनके इस सीधे हमले पर क्या होने वाला है। तभी तो उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई दीर्घकालिक लड़ाई है, जिसमें हमारी पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये थे उनके शब्द 1974। सोचिए आज जब इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं तो उस समय कितनी हालात खराब रहे होंगे। 1974 से पूर्व ही जगदेव बाबू ने बिहार की दीवारों पर यह नारा लिखवा दिया था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू ने बिहार में घूम घूम कर समान शिक्षा बहाली हेतु अलग जगाया था कि चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, शिक्षा होवे एक समान। ये सारे नारे जगदेव बाबू के थे। जगदेव बाबू देश के कैमरों से अपील करते थे, कमेरों से अपील करते थे कि पढ़ो लिखो, भैंस पालो, अखाड़ा जोतो, खुद राजनीति करो। वे शक्ति और शिक्षा को सत्ता हासिल करने का महत्वपूर्ण हथियार मानते हुए जहाँ शिक्षित होने की हिमायत करते थे, वहीं शक्ति हेतु नशा आदि से विरत रह यह नारा देते थे कि सदा भैंसिया दाहिने हाथ में लीजिए लठ, चर देव रक्षा करे दूध दही घी मठ। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की धार्मिक आडम्बरों के बहुत कड़े विरोधी थे, जबकि उनके पिताजी घोर आस्तिक थे। जगदेव बाबू ने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद घर में रखे सभी देवी देवताओं को बाहर कर दिया था। वे सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पूंजीवाद के कट्टर दुश्मन थे। जगदेव बाबू के अदम साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, सिद्धांत पर कायम रहने की प्रवृत्ति विशोषण के विरुद्ध नए नए मारक नारे गढ़ने, सामंतवाद से लड़ने, ब्राह्मणवाद को ललकारने, गरीब वंचित हित में सदैव जूझते रहने के कारण उन्होंने बिहार लेनिन की उपाधि से नवाजा जाता है। जन आंदोलन के दौरान ही जगदेव बाबू को 5 सितंबर 1974 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार की, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार की सफर जहानाबाद जिले के कुर्था में पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। समानतावादी सोचो लोगों में उनके प्रति कितनी नफरत थी कि जब गोली लगने पर पानी मांग रहे थे तो उनके मुंह पर पेशाब किया गया, जबकि सामाजिक न्याय हेतु संघर्षरत इस महान योद्धा को आज उनके जन्म दिवस पर सत सत नमन एवं अशुपूर्ण श्रद्धांजलि है। बिहार लेनिन जगदेव बाबू अमर रहे। चंद्रभूषण यादव ने ये लेख लिखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत निर्ममता से बहुजन समाज के लोगों को दबाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जिंदा है, जागृत हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं जगदेव बाबू के लिए। उन्होंने 2016 में सोशल मीडिया पर लिखा था,
जी हाँ, वही जगदेव प्रसाद जिनका जन्मदिन आज है। जादुई वक्ता, गठीले शरीर का लंबा सांवला जवान, जिनकी विशाल छाती आगे निकली हुई, भाषण के दौरान मुड़ी बाहें, मुख पर क्रोध का आवेश और दमकती हुई आंखें, तब उनके मुख से शब्द ऐसे निकलते थे जैसे मशीन गन से गोलियां छूट रही हो। बिहार की शोषित जनता उनके भाषण से पागल हो उठती थी जब वे कहते थे, सौ बे नब्बे शोषित है, नब्बे भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट करना अब बंटवारा है। ऐसे ही नहीं थे, उनके कुछ राजनीतिक फैसलों पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितने विजनरी थे। और उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे, पत्रकारिता भी की। और ये राजनीतिक जीवन मैंने बताया उनका, जगदेव प्रसाद 2 फरवरी 1922, 5 सितंबर 1974 को उनकी हत्या की गई। भारत के बिहार प्रांत में जन्मे एक क्रांतिकारी राजनेता थे, इन्हें बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक अच्छे समाज के गढ़ने में जी जान लगा दिया। जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बोधगया के समीप कुर्ता प्रखंड के कुरहारी ग्राम में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण के पास प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली गृहिणी थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में जगदेव ने मिडिल की परीक्षा पास की, हाई स्कूल के जहानाबाद चले गए। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव जी की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही तथा बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव जी की माँ धार्मिक स्वभाव की थी। जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच शिक्षा ग्रहण किया, पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक उत्तीर्ण किया। वही उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। जब जगदेव जी ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ से प्रेरित हुए, इसी बीच में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित पिछड़े शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। संपादक पद से त्याग पर देकर पटना वापस लौट आए और समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू किया। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद थे। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव प्रसाद ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। जगदेव बाबू ने 1967 में विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ था के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संबित सरकार कोलिशन गवर्नमेंट बनी, अलायंस की गवर्नमेंट बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। सोचिए उस समय भी सवर्ण लोहिया थे, उसके बाद भी उनकी अनुभव होती है, आपको समझना पड़ेगा इस पूरे खेल को। लोहिया से अनुभव हुई और कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला की चीज देखकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी, चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे, उन्होंने हमेशा शोषित समाज की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा किसी को महत्व नहीं दिया। मार्च 1970 में जगदीव बाबू के दल के समर्थन में पहली बार एक पिछड़ा यादव दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजनीति के प्रजातंत्रीकरण को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस किया। वे राम स्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ स्थापना 1 जून 1968 में शामिल हुए। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा राम स्वरूप वर्मा जी की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। एक दार्शनिक तथा क्रांतिकारी के संगम में पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जगदेव बाबू पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी दौरा आरंभ किए। वे नए नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे। सभाओं में जगदेव प्रसाद के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे। जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था, 10 के शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है,
धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की नई नई दिशा का सूत्रपात हुआ। मई 1974 को छह सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार की जनसभाएं तथा सरकार पर भी दबाव डाला गया, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिससे 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। 5 सितंबर 1974 को जगदेव प्रसाद हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात DSP ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव प्रसाद ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों को पूर्ण नियोजित जाल में फंस गए। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया। जगदेव प्रसाद चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषण जारी रखा। निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी, वे गिर पड़े। पुलिस घायल अवस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। पानी पानी चिल्लाते हुए जगदेव बाबू ने थाने में अंतिम सांस ली। अस्लिम क्रांतिकारी को नोटिस, पंकज मेहता लिखते हैं। ये थी पूरी कहानी जगदेव प्रसाद की और आज उनकी जयंती है, 2 फरवरी है। और देखिए कि कैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हमारे तमाम आइकन को जिनको भुला दिया गया था, कैसे उनको सोशल मीडिया याद कर रहा है। सोशल मीडिया अटा पड़ा हुआ है, चाहे वो परमय अमृता की कहानी हो, चाहे जगदेव बाबू की जयंती हो। लास्ट राजेंद्र प्रसाद जी की जो पोस्ट है, एक जो उन्होंने 1 जनवरी 2021 को लिखा था, उसको सुनाते हुए ख़त्म करूंगा और उनको नमन कर रहा हूं, उनको याद कर रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस डरा हुआ है। राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों में समाजवाद, गांधीवाद जैसे अनेक सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, मगर जगदेव प्रसाद के शोषितवाद के सिद्धांत से वह खौफ खाए हुए है। 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। मार्क्स का सरभरा सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से शोषित है, मगर जगदेव प्रसाद का शोषित आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से शोषित है। इस अर्थ में जगदेव प्रसाद का शोषित मार्क्स के सरभरा से ज़्यादा तकलीफ में है। मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, लेकिन लेनिन ने उसे लागू किया। मार्क्स अपनी आंखों से साम्यवादी होते देश को नहीं देख पाए, मगर जगदेव प्रसाद ने शोषितवाद का सिद्धांत दिया और उसे जीते जिंदगी लागू भी कर दिया। शोषितवाद को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शोषितवाद को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय जगदेव प्रसाद को है। भारतीय राजनीति में शोषित का प्रयोग सबसे अधिक जगदेव प्रसाद ने किया है। उनके शोषित समाज, दल, पार्टी के सिद्धांत, वक्तव्य से लेकर विधान, झंडा, हर भाषण का हर पैराग्राफ एवं नारे तक में शोषित ही केंद्र में है। जगदेव प्रसाद का सिद्धांत था कि शोषितों का राज शोषितों द्वारा शोषितों के लिए हो, और यदि 90% शोषितों के लिए बात करना जातीयता है तो 10% शोषकों के लिए बात करना कैसे राष्ट्रीयता है। आज यदि इस 10% आबादी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तो ऐसे में जगदेव प्रसाद जरूर कहते कि 90% शोषितों के लिए 90% की हिस्सेदारी तय हो। तो शोषित क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद जगदेव प्रसाद, एक स्मारिका 5 सितंबर 2016। तो तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, हम सब याद कर रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और अब सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपने महापुरुषों को, उन तमाम लोगों को याद करें। इसलिए डरिए नहीं, आगे बढ़िए। बहुजन समाज की एकजुटता का वक्त है, लड़ाई का वक्त है, और जिन लकीरों को हमारे महापुरुषों ने खींचा है उसे आगे बढ़ाने का वक्त है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।